दावा घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई के एडिशनल एसपी बिंदु शेखर जहां बेहोशी की हालत में झांसी के रेलवे स्टेशन पर मिले उन्हें गंभीर हालत में ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। यूपी पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि बिंदु शेखर एक मामले की पूछताछ के सिलसिले में दिल्ली से ग्वालियर आ रहे थे। पुलिस के मुताबिक बिंदु शेखर जहरखुरानी का शिकार हुए हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक वो मालवा एक्सप्रेस की A1 कोच से सफर कर रहे थे। मामले की सूचना मिलने के बाद बिंदु शेखर के परिजन भी दिल्ली से ग्वालियर पहुंच गए हैं। फिलहाल बिंदु शेखर की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सीबीआई के सीओ साहब हैं दिल्ली के। जी, बस इतना मालूम है। कहाँ से लेके आए हैं आपने? ये झांसी मेडिकल से। क्या क्या किस अवस्था में मिले थे ये? किस अवस्था में मिले? ये मुझे नहीं मिले थे, मुझे मालूम नहीं है। ये भर्ती कराया था पुलिस ने, वहाँ से मुझे लगाया गया अधिकारियों के माध्यम से कि आप इनको रेफर लेके वहाँ ले जाए। अब ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे, रिपोर्ट उनकी बनी हुई है तो रिपोर्ट बताएंगे। मुझे नहीं मिले। आपको मालूम है कि क्या है? नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है। कुछ बात करना, कुछ बताया कि जहरखुरानी जैसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई जानकारी है ना ऐसी कोई चर्चा आई है? वापस लेके आए हैं जी अधिकारियों ने मुझे लगाया कि आप इनको वहाँ तक ले जाओ, उनकी फैमिली दिल्ली से आ रही है, जब दिल्ली से इनकी फैमिली आ जाए तो आप वापस हो। क्या नाम क्या है?